आज की इस वीडियो में भारत का एकदम नया नया जो नया बना है 2014 में नया राज्य एकदम, तो हम तेलंगाना पर संस्कृत भाषा में निबंध देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लगभग कितने पॉइंट देखेंगे? 11 पॉइंट्स तेलंगाना पर संस्कृत भाषा में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तेलंगाना पर संस्कृत भाषा में निबंध, ऐसे ऑन तेलंगाना और वी कैन से डेट 10 लाइन्स ऑन तेलंगाना इन संस्कृत लैंग्वेज। तो 2014 तमे वर्षे तेलंगाना राज्य से गठन अभवत, तो 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। तेलंगाना राज्य से राजधानी हैदराबाद नगरम अस्ति, तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद, हैदराबाद। इसका नया नाम भाग्यनगर, मतलब पुराना नाम भाग्यनगर है, हालांकि कई बोला जा रहा है कि चेंज किया जाएगा वापस भाग्यनगर, तो वो देखेंगे। अभी तो वर्तमान में आप लिख दीजिए इसका जो राजधानी वो हैदराबाद है। हैदराबाद नगर से नाम प्राचीन काले भाग्यनगरम आसीत, तो हैदराबाद नगर का प्राचीन काल में नाम भाग्यनगर था। स्वतंत्रोत्तर तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अंग आसीत, स्वतंत्रोत्तर में यानी स्वतंत्रता के बाद जो तेलंगाना था वो आंध्र प्रदेश राज्य का हिस्सा था, और आंध्र प्रदेश मद्रास का हिस्सा था, और मद्रास तमिलनाडु वर्तमान का हम कह सकते हैं, यानी जो आंध्र प्रदेश था वो मद्रास का हिस्सा था, और जो तेलंगाना है वो आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। कन्फ्यूज मत होइए, बस इतना देख लीजिए कि जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से टूटकर तेलंगाना बना है। नेक्स्ट है, हम यहाँ थे, नेक्स्ट हाँ, अस्मिन प्रदेश सिकंदराबाद निजामाबाद बीरंगल च प्रमुख नगरम अस्ति, यहाँ के जो मेन मेन अपन सिटी की बात करें ना, मेन जो नगर हैं तो वो सिकंदराबाद है, निजामाबाद है, वीरंगल है, ये कुछ मेन मेन सिटी हैं, यहाँ की मेन मेन शहर हैं, नगर हैं। तेलंगाना राज्य से उत्तरे महाराष्ट्र, पूर्वे छत्तीसगढ़, दक्षिणे आंध्र प्रदेश, पश्चिमे कर्नाटक च सन्ति, तो जो तेलंगाना राज्य है, तेलंगाना यहाँ ना आएगा लास्ट में, तेलंगाना में, तो इसके उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व में छत्तीसगढ़ है, दक्षिण में क्या है, आंध्र प्रदेश है, और पश्चिम की बात करें तो यहाँ पे कर्नाटक है। मैप में देखेंगे तो बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा। जो तेलंगाना है वो लैंड लॉक्ड है, लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी है? जैसे नेपाल है, तो जो तेलंगाना है वो एक स्थलबद्ध प्रदेश है। स्वतंत्र पूर्व यानी कि स्वतंत्र पूर्व की बात, स्वतंत्र से पूर्व यानी स्वतंत्रता के पहले, तो 1987 के लगभग तक पर्यंतम यानी होता है तक, पर्यंतम यानी क्या होता है, तक यानी टिल, ये स्टिल जो बोलना है वो बोल दो। अत्र निजाम शासक से आसीत, यहाँ पे निजाम का शासक था, आप चाहें तो ये भी ना लिखें, इतना भी लिख सकते हैं, यहाँ पे निजाम का शासक था। अहम तेलंगाना राज्य, यहाँ पे इन तीनों में से आप कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप तेलंगाना में रहते तो यहाँ लिख सकते हैं अहम तेलंगाना राज्य निवसामी, मैं तेलंगाना में राज्य, नहीं रहते तो इसको कट कर देना, और रहते हो तो यही लिखना। मम प्रिय राज्य तेलंगाना राज्य अस्ति, जो मेरा प्रिय राज्य वो तेलंगाना, ये कोई भी लिख सकता है इंडिया के बाकी हिस्से में जहाँ पे भी रहता हूँ। और आखिरी अहम तेलंगाना प्रदेश गंतुम इच्छामि, मेरे को तेलंगाना प्रदेश जाने की इच्छा है, तो इसे लिख सकते हैं। ये केवल जो तेलंगाना में रहता है वो लिखेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये थे 11 पॉइंट, इनमें से आप कोई भी 10 लिख सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, आपको समझ आएगा। सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ 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 शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल। इफ़ यूर फ्रेंड्स क्लासमेट्स नीड्स दिस वन, सो यू कैन शेयर।